हरे कृष्णा, स्वागत है आप सभी का हमारे कृष्ण पुस्तक के आज के 8वें दिन के सत्र में। कुछ विशेष कारणों से बीच में हम लोग हमारी श्रृंखला के कुछ एपिसोड आपके सामने लेकर उपस्थित नहीं हो पाए, जिसकी वजह से आज पुनः 8वें दिवस के सत्र में हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। 7वें दिन के सत्र में हमने चर्चा की कि किस प्रकार से नंद बाबा गए थे मथुरा वार्षिक कर कंस को देने के लिए, क्योंकि कंस जो है पूरे ब्रजमंडल का राजा है और नंद बाबा जो है वो जो गोकुल के जो ग्वाले हैं उनके राजा हैं, उनके अधिपति हैं नंद बाबा। तो नंद बाबा सभी ग्वालों से कर लेकर के और कुछ मुख्य ग्वालों को लेकर के मथुरा आए थे। मथुरा आकर के उन्होंने कंस को कर चुकाया और उन्होंने सोचा मेरे भ्राता समान जो मित्र हैं, मेरे मित्र भ्राता दोनों भाई, भ्राता भी हैं, भाई भी लगते हैं वसुदेव जी, क्यों ना मैं उनसे भेंट करूं। बहुत समय हुआ उनसे मिलने नहीं जा पाया और उनका कैसा स्वास्थ्य है, इतने समय कारागार में रहे, कंस ने इतना उत्पीड़न उनको दिया, तो थोड़ी भेंट उनसे की जाए। तो इस प्रकार से नंद बाबा वसुदेव जी से भेंट करते हैं और वसुदेव जी उनको सचेतन करते हैं, उनको चेता देते हैं कि ब्रज में अवश्य ही कुछ उत्पात होने वाला है, आप शीघ्र ही लौट जाइए, क्योंकि उनको आशंका हो गई थी वसुदेव जी को कि कंस जो है कुछ ना कुछ उत्पात जरूर करेगा ब्रज में, इसलिए आप पुनः लौट जाइए नंद बाबा। तो नंद बाबा वसुदेव जी की बात मानकर लौटने लगे और यहाँ कंस की भेजी गई वो खेचरी पूतना बालकों का रुधिर पान करने वाली नंद बाबा के महल में आकर कृष्ण को अपनी गोद में उठाकर यशोदा मैया रोहिणी मैया की आंखों में धूल जो झोंक कर एकांत स्थान में नंद बाबा के उस छोटे से बालक कृष्ण को लेकर के चली जाती है। और कृष्ण को लेकर के जैसे ही बैठती है स्तनपान कराने के लिए, तो कृष्ण ने अपने नेत्र बंद कर लिए हैं उसको देख करके। कृष्ण ने सबसे पहले उसका जो विष था स्तनों पर लगा हुआ कालकूट उसको पान किया, तत्पश्चात उसके दुग्ध का पान किया, तत्पश्चात भगवान ने प्राणी समम रोष समन्वितों पे वत उसके प्राणों का पान कर लिया। और प्राणों का पान जैसे ही भगवान ने किया वो छटपटाने लगी और दहाड़ते हुए चिंघाड़ते हुए हाथी की तरह जोर जोर से गरजने लगी और भयंकर रूप में आ गई, अपने राक्षसी स्वरूप में प्रकट हो गई। कहा तो बड़ी सुंदरी बन के आई थी, सुखदेव जी ने उसको लक्ष्मी तक की उपमा, ब्रजवासियों ने उसको लक्ष्मी तक की उपमा दे डाली है कि कहीं हमारे गांव में हमारे ब्रज में जो कृष्ण है जो साक्षात नारायण का स्वरूप है वो आए हैं क्या, इसीलिए वो लक्ष्मी यहाँ आई है अपने पति के लिए, ये सोचकर लोगों ने उसको लक्ष्मी तक की उपमा दे डाली। तो यहाँ पर हम देखें कि पूतना ने जैसे ही कृष्ण को अपना स्तनपान कराना चाहा, कृष्ण नेत्र बंद करके उसकी मुक्ति का खोज रहे हैं रास्ता कि किस प्रकार से इसको मुक्ति दी जाए, क्योंकि इसने तो माता का कार्य कर दिया है। इस प्रकार से भगवान गोलोक में उसके लिए स्थान ढूंढ रहे हैं कि कौन सी सीट इसको लेनी चाहिए, इस प्रकार से भगवान अपनी माता की गति उसको प्रदान की और वो तो तड़प तड़प के मर गई और उसके उदर पर बाल कृष्ण छोटे से 6 दिन के बाल कृष्ण खेल रहे हैं। और जैसे ही ब्रजवासी ने वो भयंकर शब्द सुना, क्योंकि जोर से गिरी धड़ाम करके और 6 कोस लंबी 3 कोस चौड़ी है वो, 6 कोस लंबी मतलब 6 × 3 = 18, 18 किलोमीटर लंबी है पूतना और 3 × 9 9 किलोमीटर चौड़ी है। इतनी लंबी चौड़ी पूतना जैसे ही धड़ाम करके गिरी तो कई वृक्ष पहाड़ इत्यादि सब चकनाचूर हो गए उसके नीचे और सब ब्रजवासियों के कानों में ही भयंकर शब्द गया। दौड़ते हुए सब आए और देख रहे हैं कि उसकी छाती पर लाला खेल रहे हैं,
लाला को उठाया गया, सीढ़ी बना करके उतारा लाला को। उसके बाद पूतना, पूतना के शरीर के पास सब खड़े ही थे। तब तक नंद बाबा बाकी गोकुल वासियों को लेकर के जब गए थे मथुरा, उनके साथ जब वापस आए तो बाबा ने देखा कि सच में वसुदेव जी का कथन सत्य हो गया। नंद बाबा मन में सोचने लगे, वसुदेव जी कोई साधारण पुरुष नहीं है, इसीलिए सुखदेव जी, आनक दुंदुभि, वसुदेव जी का एक नाम है आनक दुंदुभि, उस नाम से उनको संबोधित किए हैं। क्यों? क्योंकि जब वसुदेव जी का जन्म हुआ था तब अचानक अपने आप ही स्वतः दुंदुभियां बजने लग गई थी चारों तरफ, स्वर्ग में सभी चारों दिशाओं में देवता लोग दुंदुभियां बजाने लगे थे। क्यों? क्योंकि वे हैं ही इतने महान महात्मा, वसुदेव उनको कहा गया है। तो ऐसे महान वसुदेव जी के विषय में नंद बाबा सोचने लगे कि सच में नंद बाबा ने जो वसुदेव जी ने जो कहा था वो अक्षरशः सत्य हो रहा है। यहाँ सच में एक भयंकर उत्पात फैल गया है। तो नंद बाबा ने जैसे ही देखा तो सभी ने मंत्रणा की, और मंत्रणा करने के बाद पूतना के शरीर के टुकड़े किए गए और घसीटते हुए पूतना के शव को यमुना किनारे तक लेकर आए। यमुना किनारे उस पूतना के शव को लाए और जैसे ही उसमें अग्नि जलाई गई तो उस पूतना के उस शरीर से अद्भुत सुगंध प्रकट होने लगी, अद्भुत सुगंध। तो परीक्षित जी महाराज वहां पर आश्चर्यचकित होकर के सुखदेव जी से पूछ रहे हैं कि हे गुरुदेव, ये राक्षसी बालकों का रुधिर पान करने वाली, इतना नीच कृत्य करने वाली, भगवान को भी विष देने के लिए चली आई, इसके शरीर से दुर्गंध आने की बजाय सुगंध आ रही है, क्या कारण है? तब सुखदेव जी प्रसन्न चित्त होकर बोलने लगे, बोले राजन, ये भगवान को भले ही विष देने के लिए आई थी किंतु कार्य तो उसने माता का किया है, और भगवान का स्पर्श जिसको हो जाए क्या वो राक्षस रह सकता है? वो तो देव बन गया, वो तो महान दिव्य शरीर प्राप्त कर लिया वो तो, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का ना सिर्फ उसने स्पर्श किया, गोदी में उठा करके आलिंगन किया, स्तनपान कराया माता की तरह, इतनी देर तक कृष्ण का स्पर्श उसको करने को मिला, इसीलिए तो ना वो उसके शरीर से इतनी सुंदर सुगंध आ रही। इस प्रकार से पूतना का देह संस्कार, दाह संस्कार सभी ब्रजवासियों ने किया, सब अपने अपने घर लौट आए। लाला को, कृष्ण को पूतना के ऊपर से उठा करके ब्रजवासी जो गोपिकाएं हैं वो लेकर गई थी गौशाला। गौशाला में ले जा करके उन्होंने मूत्र, गौमूत्र से, गौमूत्रेण स्नापयित्वा पुनः पुनर्गोरज सार्वकम्, कृष्ण को गौमूत्र से स्नान कराया गया। पद्मा गाय जिसका दूध कृष्ण को दिया जाता था, उस गाय के गौमूत्र से कृष्ण को स्नान करवाया, और गौरज सार्वकम सब पूरे कृष्ण के सभी श्री अंगों में गौ माता के चरण की रज लेकर के लगाई गई है, गाय माता की पूंछ से झाड़ा दिया है, और कृष्ण के ही नामों से कृष्ण को झाड़ा दे रहे हैं। आश्चर्य की बात देखिए, मतलब भगवान के नाम की महिमा आप सोचिए कितनी है, भगवान की भी रक्षा भगवान का नाम कर रहे हैं। कह रही है कि खेलते हुए गोपाल की रक्षा माधव भगवान करें, सोते हुए गोपाल की रक्षा गोविंद करें, इस प्रकार से अनेक नामों से झाड़ा दे रही है, और कृष्ण के ही नाम है, कृष्ण को ही झाड़ा दे रही है। गोपाल प्रसन्न हो रहे हैं गोदी में कि देखो नाम भी हमारा और झाड़ा भी हम ही को दे रही है, कितना सुंदर भाव है इन गोपियों का। भगवान तो उनको किसी तरह से मानते ही नहीं ब्रजवासी। अभी आप देखेंगे आगे बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हैं जिसमें ब्रजवासियों ने सिरे से नकार दिया कि ये भगवान है, हम कोई नहीं जानते, ये भगवान भगवान है, ये तो हमारा कन्हैया है, इतना अद्भुत भाव। और कृष्ण को यही चाहिए, इसी भाव को पाने के लिए तो वो आते हैं ना, कि भगवान तो उनको गोलोक में भी मान रहे थे, लेकिन उनको चाहिए कि नहीं, भगवान शब्द अलग रख दिया जाए और मुझे अपना मित्र माने, अपना पुत्र माने, अपना सुहृद सखा मान करके मेरे साथ व्यवहार करें।
इस प्रकार से गोपाल को लेकर आए, कृष्ण को लेकर आए, श्याम सुंदर को सुंदर झाड़ा दिया है। उसके बाद यशोदा मैया ने स्नान करवा के खूब सुंदर लाला को तैयार किया है, आंखों में काजल आंजा है, और उसके बाद अपना स्तन पान करा करके लाला को सुला दिया है। तो वृंदावन की जो वयस्क गोपिकाएं हैं वो कृष्ण के प्रेम में इतना लीन थी कि वे कृष्ण को हर तरह से बचाना चाहती थी। तो इस शुद्धिकरण संस्कार के बाद यशोदा रोहिणी समेत सभी गोपियों ने विष्णु के नामों का उच्चारण किया, जिससे कृष्ण के शरीर को समस्त कुप्रभावों से पूरी पूरी तरह सुरक्षा प्राप्त हो सके। उन्होंने अपने हाथ पैर धोए और 3 बार जल का आचमन किया, जैसा कि मंत्रोच्चार के पूर्व करने का रिवाज है। उन्होंने इस प्रकार मंत्रोच्चार किया, हे कृष्ण, मणिमान भगवान आपके घुटनों की और भगवान यज्ञ आपकी जंघाओं की रक्षा करें। आज अज नाम से विख्यात भगवान विष्णु आपके पांव की रक्षा करें, भगवान अच्युत आपकी कमर की, कमर के ऊपर भाग की, और भगवान हयग्रीव आपके उदर की रक्षा करें, केशव आपके हृदय की, भगवान ईश आपके वक्षस्थल की रक्षा करें, भगवान सूर्य आपकी गर्दन की, और भगवान विष्णु आपकी भुजाओं की रक्षा करें, भगवान उरुक्रम आपके मुख की रक्षा करें, भगवान ईश्वर आपके सिर की रक्षा करें, भगवान चक्रधर आपके आगे से तथा भगवान गदाधर आपके पीछे से रक्षा करें, धनुषधारी भगवान मधुसूदन आपकी दाई ओर से और भगवान अर्जुन आपकी बाई ओर से रक्षा करें, भगवान उरुगाय अपने शंख से आपकी सभी ओर से रक्षा करें, भगवान उपेंद्र आपके ऊपर से आपकी रक्षा करें, भगवान तारक्ष्य पृथ्वी पर आपकी रक्षा करें, भगवान हलधर आपकी चारों ओर से रक्षा करें, भगवान ऋषिकेश आपकी समस्त इंद्रियों की रक्षा करें, भगवान नारायण आपके श्वास की, और श्वेतद्वीप के स्वामी नारायण आपके हृदय की रक्षा करें, और मनोयोगेश्वरवतु आपके मन की रक्षा योगेश्वर भगवान करें, प्रश्नी गर्भ आपकी बुद्धि की रक्षा करें, और श्री भगवान आपकी आत्मा की रक्षा करें। आपके खेलते समय भगवान गोविंद तथा शयन करते समय माधव भगवान आपकी रक्षा करें। इस प्रकार से जब आप चल फिर रहे हो तो वैकुंठ के स्वामी आपको नीचे गिरने से बचाएं, जब आप बैठे हो तो भगवान नारायण आपको सारी ओर से सुरक्षा प्रदान करें, और जब आप खा रहे हो तो समस्त यज्ञों के स्वामी आपकी सभी प्रकार से रक्षा करें। इस तरह माता यशोदा बालक के शरीर के विभिन्न अंगों की रक्षा के लिए विष्णु के विविध नामों का उच्चारण करने लगी। देखिए कितना सुंदर भाव है, कितना निष्काम भाव है। भगवान को भगवान के ही अन्य अन्य नामों से झाड़ा दे रही है, और भगवान अत्यंत प्रसन्न हो रहे माता यशोदा की गोद में, क्योंकि माता यशोदा का दृढ़ विश्वास था कि वे कोटरा, रेवती, ज्येष्ठा, पूतना, मातृकाओं, उन्मादों तथा इसी प्रकार के अन्य भूत प्रेतों से रक्षा कर सकेंगी। अपने पुत्र की रक्षा डाकिनियों, यातुधानियों, कूष्मांडों, यक्षों, राक्षसों, विनायकों, इन सब से रक्षा कर सकेंगी, जो मनुष्यों को उनके निजी अस्तित्व के बारे में भुलवा देते हैं तथा प्राणों एवं इंद्रियों को कष्ट पहुंचाते हैं। माता भगवान के नामों का उच्चारण इसीलिए कर रही थी कि इन सब बाधाओं से कृष्ण को सुरक्षा प्राप्त हो। कितना सुंदर भाव है, कृष्ण को यही भाव पसंद है कि मुझे भगवान ना मान के, मुझे अपना बेटा मान के पूरी तरह से मेरी सुरक्षा कर रही है माता। और आगे क्या कह रहे हैं कि माता यशोदा को गौओं तथा विष्णु के पवित्र नाम के वैदिक आदेशों के विषय में दृढ़ विश्वास था, अतः उन्होंने अपने पुत्र कृष्ण की रक्षा के लिए इन दोनों की शरण ग्रहण की। उन्होंने विष्णु के समस्त नामों का उच्चारण किया जिससे वे अपने पुत्र की रक्षा करें। वैदिक संस्कृति में आदि काल से गोपालन तथा विष्णु नाम के कीर्तन पर बल दिया गया है, और आज भी ऐसे व्यक्ति जो वैदिक प्रणाली का अनुगमन करते हैं, विशेषतया गृहस्थ लोग, कम से कम 1 दर्जन गौएं पालते हैं। आजकल तो गौ पालना तो दूर, गाय को बच्चा को रोटी खिलाने तक का संस्कार नहीं है आजकल कि द्वार पर अगर गाय आ जाए तो उसको बालक के हाथ से रोटी दिलाई जाए। इतना खराब समय आ गया है कि गौ हत्या जैसा जघन्य अपराध बड़ी निर्ममता से हो रहा है। तो वृंदावन जो है वो तो गौ माता का गढ़ है,
जहाँ गौ माता की सेवा इतनी निष्कामता से की जाती है और इतने प्रेम से की जाती तो औपचारिकताओं के बाद माता यशोदा ने कृष्ण को अपनी गोद में लेकर दूध पिलाया और बालक को सुला दिया। तो इसी बीच सारे ग्वाले जो कर जमा करने मथुरा गए थे, वो सब पूतना को जलाने के बाद घर आ गए। और नंद महाराज को वसुदेव की भविष्यवाणी का स्मरण हुआ, जैसा कि हम चर्चा कर ही चुके हैं। तो इससे यह निष्कर्ष निकला कि भगवान की सेवा में लगाई गई अल्प शक्ति भी अपार दिव्य लाभ प्रदान करने वाली है। उतना ने क्या किया, 84 देर अपना स्तनपान कराया, उतने में भी उसको इतनी महान गति मिली। हाँ, शिशुपाल जैसी मुक्ति नहीं कि बस भगवान के श्रीअंग में ज्योति समा गई, नहीं, बाकायदा अपनी माँ की गति प्रदान की है गोलोक में। तो इस प्रकार से जब कृष्ण को फूल और फल अर्पित किए जाते हैं, तो अप्रत्यक्ष रूप से उस वृक्ष को भी लाभ पहुंचता है जिससे में वो फूल और फल लगे थे। और पूतना इतनी भाग्यशालिनी थी कि वही कृष्ण बालक रूप में उसकी गोदी में खेले, जो ब्रह्मा और शिव को भी जो सुख नहीं प्राप्त होता है, जो दुर्लभ है उनके लिए जो सुख, वो सुख भी पूतना को सहज प्राप्त हो गया। तो यहां पर श्री कृष्ण के वही चरण कमल जो ऋषियों तथा भक्तों द्वारा आराध्य पूतना के शरीर पर पड़े, क्योंकि परीक्षित जी महाराज ने प्रश्न किया था ना कि वो सुगंध क्यों आई उसके देह को जलाने पर, तो उसका कारण यहाँ पर सुखदेव जी बता रहे हैं। तो लोग कृष्ण की पूजा करके भोजन की भेंट चढ़ाते हैं, किंतु उन्होंने तो पूतना के शरीर से स्वतः दुग्धपान किया। इसीलिए भक्तगण प्रार्थना करते हैं कि यदि पूतना जैसी शत्रुनी केवल दूध पिलाकर इतने लाभ प्राप्त कर सकती है, तो फिर प्रेम तथा स्नेह से कृष्ण की सेवा पूजा करने पर जो लाभ होगा उसकी तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो यदि यदि पूजा करने वाले को इतना लाभ कृष्ण दे सकते हैं, तो फिर हम मनुष्यों को क्या चाहिए? हमको चाहिए कि हम कृष्ण की प्रेम भाव से पूजा करें, उनसे कोई संबंध जोड़ करके और फिर उनकी पूजा करें। यदि भी पूतना बहुत दुष्टात्मा थी, किंतु उसे भगवान की माता के समान उच्च पद प्राप्त हुआ। गोलोक में जब भगवान उसको गति दिए, तो गोलोक में जो गोलोक बिहारी बैठे हैं वो दौड़ करके आए हैं द्वार पर। श्रीमती राधा रानी पूछ रही है कि आप कहाँ जा रहे हैं? बोले, मेरी माँ आ रही है मृत्यु लोक से। आश्चर्य हुआ राधा रानी को कि आपकी माँ, वो तो अभी आपकी लीला में वहां है, देवकी भी है यशोदा भी है, तो ये कौन सी माँ है? बोले, ये पूतना है जिसने मुझे अपना दुग्धपान करा करके मुझे अपना ऋणी बना लिया। तो ऋणी होकर के अब मैं इस प्रकार से अपने ऋण से उऋण हो रहा हूं उनको अपनी माता की गति प्रदान करके। तो कृष्ण किसी को भी कुछ भी, मुक्ति से लेकर कोई भी कल्पनीय भौतिक वस्तु दे सकते हैं। अतः वे जिस पूतना के शरीर का दुग्धपान करते रहे, उसके मोक्ष के संबंध में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और उन गोपियों के मोक्ष के संबंध में तो क्या कहें, ब्रजवासियों की तो क्या कहें, बोलो, कि जिन्होंने इतना प्रेम से बाल गोपाल कृष्ण को पीठ पर बिठा करके दौड़ लगाते थे, कृष्ण की पीठ पर बैठकर उसको घोड़ा बनाकर चलाते थे, इतना प्रेम करने वालों को क्या गति कृष्ण देंगे, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो जब समस्त वृंदावन वासियों की नाकों में पूतना के जलने से उत्पन्न धुएं की सुगंधी गई, तो वे एक दूसरे से पूछने लगे कि यह सुगंधी कहाँ से आ रही है। अभी परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव जी से पूछा था, अब वे आपस में चर्चा कर रहे हैं। तो उस बातचीत के दौरान ही उन्हें यह ज्ञात हुआ कि यह सुगंध पूतना के जलने से आ रही है। कृष्ण उन्हें प्राणों से प्रिय थे, सभी ब्रजवासियों को। जैसे ही उन्होंने सुना कि कृष्ण द्वारा पूतना का वध हुआ है, तो सबों ने प्रेमवश उस बालक को आशीष दिया। पूतना के जल जाने के पश्चात नंद महाराज घर आए और तुरंत ही बच्चे को गोद में उठाकर उसका सिर सूंघने लगे, सिर चूमने लगे। इस प्रकार वे परम संतुष्ट हुए
और उनका नन्हा सा बालक इस महान विपदा से बच गया। छोटे से, अभी तो बहुत छोटे हैं, 6 दिन के हैं मात्र। तो श्री शुकदेव गोस्वामी उन समस्त व्यक्तियों को आशीर्वाद देते हैं जो कृष्ण द्वारा पूतना वध के इस वृत्तांत को सुनते हैं। शुकदेव जी कह रहे हैं कि जो प्रेम भाव से, वात्सल्य भाव से, ये किसी भी शुद्ध भाव से कृष्ण की इस सुंदर वृत्तांत को सुनते हैं, इस लीला को सुनते हैं, क्योंकि उन्हें तब उन्हें निश्चय ही गोविंद के वरदान की प्राप्ति होगी, स्पष्ट रूप से श्री शुकदेव जी ने बोल दिया है। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान के इस पुस्तक का 6ठा अध्याय पूर्ण होता है। जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अब हम देखते हैं 7ठा अध्याय। छोटे छोटे अध्याय हैं क्योंकि इनमें बालक की छोटी छोटी लीलाएं हैं। एक राक्षस आता है, भगवान उसका उद्धार किस प्रकार करते हैं इसका शुकदेव जी ने वर्णन किया है। तो अगला अध्याय है 7ठा अध्याय, तृणावर्त का उद्धार। तो भगवान श्री कृष्ण सदैव ही षड ऐश्वर्यों से ओतप्रोत रहते हैं। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य यशस्य, मुझे याद नहीं आ रहा श्लोक इस समय, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य बीजस्य यशस्य श्रेय, ज्ञान वैराग्य यौश्चैव षण्णां भग इतीर्ण। ये 6 प्रकार के ऐश्वर्यों से भग, भग बोलते हैं भगवान का नाम जो बना है भग से बना है, ये 6 प्रकार के भग उनके अंदर सम्मिलित हैं। यश है, ऐश्वर्य है, मतलब ऐश्वर्य क्या है, अपार धन। उनके प्रकार, उनके समान ऐश्वर्य किसी के पास नहीं है, उनके समान यश किसी का नहीं है, उनके प्रकार, उनके समान वीर्य, वीरता किसी में नहीं है, ज्ञान किसी में नहीं है, उनके समान किसी में संन्यास नहीं है। तो वैराग्य और सौंदर्य, भगवान के समान सौंदर्य किसी में नहीं है। तो इन 6 भगों से संपन्न भगवान, 6 ऐश्वर्यों से संपन्न भगवान कहलाते हैं कृष्ण। तो भगवान विभिन्न पूर्ण शाश्वत अवतारी रूपों में प्रकट होते हैं। बद्ध जीवात्मा को इन अवतारों में भगवान की दिव्य कार्यकलापों के विषय में सुनने का अवसर प्राप्त होता है, क्योंकि भगवान ऐसे अवतार लेकर आते हैं और सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं। तो हमको क्या प्राप्त होता है, उनकी लीलाओं को सुनने का अवसर प्राप्त होता है। तो भगवद गीता में कहा गया है कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं योगित्ति तत्वतः, कि जो मेरे जन्म कर्म आने जाने और लीलाओं के इस गुह्य तत्व को समझ जाता है वो मुक्त हो जाता है, भगवान स्वयं कह रहे हैं। तो हमको इन सब लीलाओं के माध्यम से भगवान के आने जाने, लीलाओं के विषय में जो तत्व है उसका ज्ञान हो जाता है। कैसे? तो भगवान की जो लीलाएं हैं वो कार्यकलाप, वो सब हमारी तरह भौतिक नहीं। हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं इन सब के विषय में कि हमारे जो कार्य होते हैं, हमारा आना कैसे होता है, माता के गर्भ से आते हैं, माता पिता के संयोग से आते हैं, ठीक है। मरना कैसा होता है हमारा, हमारा तड़प तड़प के 10,000 बिच्छू एक बार में डंक मारे, एक साथ साइमल्टेनियसली एक ही समय में 10,000 बिच्छू डंक मारे, इतनी पीड़ा होती है हम मनुष्यों को शरीर छोड़ने में। और कृष्ण अपना दिव्य देह लेकर के पुनः लौट जाते हैं, उनका देह यहाँ पड़ा नहीं रह जाता सड़ने गलने के लिए या जलाने के लिए हमारी तरह। जिस देह के साथ आए थे अपने दिव्य देह को लेकर के पुनः लौट जाते हैं अपने धाम। क्या किसी ने देखा था कृष्ण का देह आखिर में पड़ा है, जलाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं। उद्धव जी, मैत्रेय सब वहीं थे, मैत्रेय ऋषि, और जिसने बाण मारा जरा वो व्याद भी वहीं था, भगवान का सारथी दारुक, ये 4-5 लोग उस समय भगवान के सन्मुख वहीं थे, किंतु भगवान अपने दिव्य देह के साथ पुनः लौट गए। तो आगे कह रहे हैं कि जो बद्ध जीव इन साधारण असाधारण कार्य कलापों के श्रवण से लाभान्वित हो सकता है, क्योंकि भगवान की लीलाएं अद्भुत हैं, हमारी तरह नहीं है भौतिक। तो हमारी चर्चाएं जो है वो प्रजल्प है, हमारे जो संसारी बातें हैं वो प्रजल्प हैं, किंतु भगवान की जो दिव्य लीला कथाएं हैं उनको सुनने से उद्धार होता है।
तो श्रवण एक अवसर है जो भगवान का साहचर्य प्रदान करता है। कैसे? हम भगवान के विषय में सुनते हैं, हमको लगता है कि हम भगवान के साथ हैं, भगवान हमारे साथ हैं, हमको एकत्व की अनुभूति होती है। तो उनके कार्यकलाप के श्रवण का अर्थ है दिव्य चेतना का विकास करना। हम जब भगवान के विषय में सुनते हैं तो हमको कितना अच्छा लगता है, पॉजिटिविटी आती है अपने अंदर, कुछ भी गलत करने की हमारी इच्छा नहीं होती, हमारा अंतःकरण निर्मल हो जाता है। कथा सुनने से, भागवत सुनने से, भगवत गीता सुनने से, भगवान की अन्य अन्य लीलाएं सुनने से हमारा अंतःकरण शुद्ध निर्मल होता है, हमारी चेतना का विकास होता है। तो बद्ध जीव की स्वाभाविक प्रवृत्ति अन्य बद्ध जीवों के विषय में उपन्यास, नाटक, कथा आदि के माध्यम से कुछ ना कुछ श्रवण करने की होती है। हम सब मनुष्यों की आदत है, कुछ ना कुछ हम पढ़ना लिखना चाहते हैं, कुछ नाटक पढ़ते हैं, उपन्यास पढ़ते हैं, लेकिन ये सब मूर्खताएं हैं, इनमें समय की बर्बादी है। तो भगवान की लीलाओं के श्रवण करने से हमारी चेतना का विकास होता है, तब मनुष्य तुरंत दिव्य प्रकृति की ओर विकास करने लगता है। और कृष्ण की लीलाएं न केवल सुंदर है अपितु वे मन को मोहने वाली है। अभी तो आगे बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं आने वाली है। किस प्रकार से बछड़े चराने के लिए जब गोपाल जाते हैं तो क्या क्या अद्भुत लीलाएं होती है, वो सब हम आगे श्रवण करेंगे। तो यदि कोई भगवान की लीलाओं के श्रवण का लाभ उठाता है तो प्रकृति की दीर्घकालीन संगति के कारण मन में संचित होने वाली कल्मश धूलि को तुरंत ही धोया जा सकता है। अच्छा, एक उदाहरण से हम देखें कि साधारण तौर पे कोई आईना होता है, आरसी होता है, जिसको हम शीशा बोलते हैं, हम जिसमें देखते हैं अपना मुख, दर्पण, उस पे अगर धूल जमती है तो क्या उसको हम किससे साफ करते हैं? उसको हम साफ करते हैं पानी, पानी लगाते हैं उस पे, साफ कपड़ा से साफ करते हैं, ठीक है। किंतु जो मन का जो दर्पण है उसको साफ करने का साधन क्या है? उसको साफ करने का साधन है भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, भगवान की सुंदर सुंदर लीलाएं और वैष्णवों की चरण रज। कहीं आपने सुना है कि धूल से धूल को साफ किया जाए? नहीं। किंतु अंतःकरण पे जो जन्म जन्मांतरों से कामनाओं की, वासनाओं की और मूढ़ताओं की जो धूल जम गई है, वो वैष्णवों की, संतों की, महात्माओं की चरण रज से ही साफ होगी। जड़ भरत जी जब रहुगण को उपदेश कह रहे थे, सुना रहे थे, तो कितना सुंदर वहां पे बोल रहे हैं कि रहुगणे तत्तपसान जाति नचेज्जया निर्वपणा गृहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्जे बिना महत्पाद रजोभिषेकम। कि हे राजन, कमर तक जल हो, इतने पानी में खड़े रहकर सूर्य को देखकर तपस्या करने से आपको भगवान नहीं मिलेंगे, भक्ति नहीं मिलने वाली। न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्जे, न अग्नि में खड़े होकर तपस्या करने से आपको मुक्ति प्राप्त होने वाली है। बिना महत्पाद रजोभिषेकम, बिना महात्माओं के, संतों के चरणों की रज के तुम्हारा उद्धार नहीं होने वाला। तो चरणों की रज से ही हमारे मन के दर्पण पर लगी जन्म जन्मांतरों की उस धूल को साफ किया जा सकता है। तो यहां पर सुखदेव जी कह रहे हैं कि भगवान की जो कथा है वही कार्य करती, मन के दर्पण पर लगी धूल को साफ करती, जिससे मन हो जाता है निर्मल। और निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। भगवान बोल रहे हैं रामचरितमानस में कि जो निर्मल मन वाले हैं वो ही मुझे पा सकते हैं, छल कपट छिद्र जिनके मन में हो वो मुझे नहीं पा सकते। तो जो ही यह कलमश धुल जाता है त्यों ही जीवात्मा का अप्रकट कार्य अर्थात भगवान की सेवा करने का कार्य सहज ही जाग उठता है। मतलब हम कथा सुनते हैं, हमारा मन हो जाता है क्या निर्मल, तब हमारी क्या इच्छा होती है कि हम भी जप करें, हम दर्शन करें, धाम दर्शन करें, भागवतम सुने और ज्यादा करके, भगवान की सेवा करें, वैष्णवों की सेवा करें। तो परमेश्वर के साथ हमारा जो है दिव्य संबंध स्थापित हो जाता है उससे।
भागवतम सुनने से। तो महाराज परीक्षित ने व्यावहारिक अनुभव से यह निर्दिष्ट किया कि प्रत्येक व्यक्ति भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनने का प्रयास करें। यह लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण नामक इस भाष्य में, भाष्य को इसी उद्देश्य से लिखा गया है। और पाठक को चाहिए कि मानव जीवन के चरम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इसका लाभ उठाए। इसीलिए आप सबके सामने उपस्थित हुए हैं इस श्रृंखला को लेकर के, ताकि इस अद्भुत लीला को सुनकर के आपके कर्ण रंध्रों से जब ये कथा हृदय पटल पे जाएगी तो अंतःकरण निर्मल हो जाएगा और कृष्ण भक्ति में आपका मन उत्तरोत्तर बढ़ेगा। तो भगवान अपनी अहैतु की कृपावश इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं और सामान्य पुरुष की भांति अपने कार्यकलापों का प्रदर्शन करते हैं। दुर्भाग्यवश शून्यवादी या नास्तिक लोग कृष्ण को अपने समान एक सामान्य व्यक्ति मानते हैं। हम आगे बहुत बार इस एक पॉइंट पर चर्चा कर चुके हैं कि भगवान को अपने जैसा नहीं मानना चाहिए। हमारे जैसा भौतिक शरीर भगवान नहीं धारण करते हैं। भगवान ने स्वयं भगवद गीता में इस प्रकार के लोगों की भर्त्सना की है। क्या कह रहे हैं? अवजानंति माम मूढ़ा, मुझे जो नहीं जानते हैं वो मूढ़ हैं। मेरे जन्म कर्म की दिव्यता को, लीलाओं को जो नहीं जानते हैं वो मूढ़ हैं। स्पष्ट रूप से भगवान पाखंडी बोल रहे हैं उनको। तो जब कृष्ण कुछ और बड़े हुए तो वे करवट लेने लगे। तो करवट जैसे ही कृष्ण ने ली है तो नंद बाबा यशोदा मैया ने करवट लेने का उत्सव मना दिया। ये तो कृष्ण जैसे ही ब्रज में आए ना तो उत्सव ही उत्सव होते थे प्रत्येक दिन। अब कृष्ण करवट ले लिए तो उसका भी नंद बाबा उत्सव मना रहे यशोदा मैया कि देखो मेरे लाला ने अपने से करवट ली, बच्चे में शक्ति बढ़ गई है। हाँ, इस बात की प्रसन्नता से जो है उन्होंने करवट मनाने का उत्सव मनाया। तो स्नान क्रिया अभिषेक ये सब होता है इसमें। जब होती है कोई भी उत्सव मनाया जाता है तो लाला को बहुत सुंदर स्नान कराया मैया ने, नए नए वस्त्र धारण कराए, नए नए वस्त्र धारण करा के अपना स्तनपान कराया। और स्तनपान करा के मैया ने देखा कि घर में बहुत मेहमान आ रहे हैं, बहुत आवाजाही हो रही है लोगों की। तो उन्होंने क्या किया, एक छकड़ा था, छकड़ा होता है जो बैल जिसमें आगे जोत करके वो बैलगाड़ी बन जाती है, तो वो छकड़ा शकट था वहां पे। तो शकट में, शकट के नीचे जो जगह होती है, दो पहिए होते हैं बड़े बड़े और पहिए के बीच में जो थोड़ी सी जगह होती है उसके बीच में लाला का पलना मैया ने लगा दिया और पलने में लाला को सुला दिया छकड़े के, शकट के नीचे। और शकट के ऊपर रखी है बहुत सारी दूध दही माखन की मटकियां और उन मटकियों के बीच में जो शकट, शकटासुर असल में उसका नाम था उत्कच, ये पूर्व जन्म में हिरण्याक्ष का बेटा था। ये बहुत संतों को परेशान किया करता था, बहुत बलवान था। तो संतों के श्राप की वजह से इसको ऐसा शरीर मिला था जिससे शरीर इसका दिखता नहीं था, प्रेत योनि में एक तरह से चला गया था जिससे इसका शरीर दिखता नहीं था। तो उत्कच नाम का ये दैत्य था, असुर था, जो शकटासुर जिसको नाम दिया है सुखदेव जी ने, क्योंकि शकट के रूप में आया है, शकट के बीच में आके छुप गया है। तो इस अवसर पर माता यशोदा ने अन्न राशि का वितरण किया, बहुत दान दिया, ब्राह्मणों को बुलाया, बहुत लोग आए चारों दिशाओं से, बहुत सारे लोग आए नंद बाबा के घर में। गौएं दान की गई बहुत, और कृष्ण को हम अभी चर्चा कर ही चुके हैं, उन्होंने नंद बाबा यशोदा मैया ने शकट के नीचे सुला दिया। तो यशोदा ने भी स्नान करके सुंदर वस्त्र धारण किए, भली भांति तैयार हो गई माता, बहुत सुंदर आभूषण सुसज्जित होकर के माता तैयार हुई है, बहुत सुंदर लग रही है माता यशोदा। वैदिक स्तुतियां की जा रही हैं ब्राह्मणों के द्वारा, खूब सुंदर स्वस्ति वाचन हो रहा है। और इस शुभ अवसर पर सारे मित्र संबंधी स्वजन सब पधारे, ब्रजवासी जितने थे गौ यशोदा माता के आंगन में सब पधारे हैं। तो वृंदावन वासियों का स्वागत करने में दोनों माताएं लगी हैं, यशोदा भी और रोहिणी भी, दोनों माताएं जो है सबका स्वागत करने में, सत्कार करने में लगी हैं। तो
जब कृष्ण को सुला दिया था तो कृष्ण ने सोचा कि ये उत्सव किसके लिए हो रहा है, हमारे लिए। और देखो मैया को हमको ही बाहर सबसे अलग सुला दिया है और खूब सबके साथ में आनंदित हो रही है खुद, और हमको ऐसे बाहर सुला दिया। तो कृष्ण ने क्या किया, जोर जोर से रोने लगे, भूखे हो गए, भूख लगाई लाला को, और जोर जोर से रोने लगे। तो किसी का ध्यान नहीं जा रहा है, लाला ने सोचा कि मैं इतना जोर जोर से रो रहा हूं फिर भी मेरी आवाज किसी को सुनाई नहीं दे रही है। तब अपनी टांगे ऊपर उठाकर चरण कमलों को सामान्य बालक की तरह पटकने लगे, जैसे बच्चे करते हैं ना, रोने लगते हैं, जोर जोर से टांगे पटकते हैं, तब भी कुछ नहीं हो रहा है। तो कृष्ण ने क्या किया, जोर से पांव उठाया, पांव उठाया क्योंकि नीचे लेटे हैं, दोनों पहियों के बीच में जो छकट के बीच में जगह होती है वहां लेटे हैं। और जैसे ही छोटा सा पांव उठाया है तो वो छकड़ा, वो शकट पूरा पलट गया, पीछे की तरफ चला गया। बालक बीच में आराम से सेफ है, बिल्कुल सुरक्षित है। तो इस प्रकार से क्या हुआ, पीछे की तरफ पूरा वो शकट पलट गया, तो दही की, माखन की, दूध की जो मटकियां थी वो धाम धाम करके सब फूट गई। बहुत सारी मटकियां थी, सब में सुंदर दूध दही माखन भरा था, सब फूट गई जोर जोर से। और धड़ाम धड़ाम की आवाज जब आई तो सब एकदम से देखने लगे, सब एकदम से सबका ध्यान इस तरफ आ गया, ये सब क्या आवाज हुई इतना जोर जोर से। तो छगड़े का पहिया धुरे से निकल गया और पहिए के सारे आरे टूटकर इधर उधर बिखर गए। पहिया होता है, पहिए में वो जो आरे होते हैं वो सब टूट टूट के बिखर गए। तो माता यशोदा, नंद नंद बाबा सब बाहर आए और आश्चर्यचकित होकर के देखने लगे कि कुछ नहीं, कोई आंधी तूफान कुछ नहीं, क्या हुआ, ये अपने आप छकड़ा उठ के कैसे गिर गया, सब मटकियां गिर गई, सब पहिया भी टूट के बिखर गया। तो कुछ छोटे छोटे बालक जो आसपास वहीं खेल रहे थे उस छकड़े के, वो बोले, मैया बाबा ये तुम्हारे लाला की करतूत है, इसने ना अपना छोटा सा पांव उठा करके छकड़े के ऊपर मारा तो ये पूरा का पूरा छकड़ा पलट गया। तो नंद बाबा और यशोदा मैया वात्सल्य के अधीन होकर के बोल रहे हैं कि चुप करो, कुछ भी बोलते हो, इतना छोटा सा 3 माह का बालक है वो कैसे इतनी बड़ी गाड़ी को पलटा देगा। तो इस प्रकार से ग्वाल बालों को, छोटे छोटे जो बच्चे वहां थे, उनका मुख बंद कर दिया, किंतु वो सच बोल रहे थे। तो इस प्रकार से कुछ लोग तो ध्यान से छोटे बच्चों के बयान को सुन रहे थे, जो छोटे बच्चे थे, दो अलग धारणाएं हो गई थी। कुछ लोग उनकी बातों पे बिल्कुल यकीन नहीं करते थे और कुछ लोग यकीन कर लेते थे बालकों की बात पे यकीन। किंतु दूसरों ने कहा, आप इन बच्चों के कहने पर कैसे विश्वास कर सकते हैं, ग्वाले तथा ग्वाली नहीं यह जान ना पाए कि सर्वशक्तिमान भगवान वहां बाल रूप में लेटे हुए थे और वे कुछ भी करने में समर्थ हैं। तो माता यशोदा ने बिना प्रतिवाद के बालक को अपनी गोद में उठा लिया और भूत प्रेत दूर करने के लिए वैदिक स्तुतियों का उच्चारण कराने के लिए वैदिक ब्राह्मणों को बुलाया। और इस प्रकार से जो है वो 3 माह के कृष्ण का जो वो उत्सव था वो संपूर्ण हुआ। तत्पश्चात समस्त बलिष्ठ ग्वालों ने टूटे छकड़े को ठीक किया और इधर उधर बिखरी वस्तुओं को पूर्ववत रख दिया। फिर यज्ञ हवन हुआ, कृष्ण के मंगल के लिए श्री भगवान की पूजा की गई। वहां पर सारे जो ब्राह्मण थे वो सभी सुपात्र थे, ईर्ष्याहीन थे, उन्होंने कभी असत्य नहीं बोला था, वे घमंडी नहीं थे, अहिंसावादी थे, प्रामाणिक थे, घमंडी नहीं थे बिल्कुल भी, और सभी बहुत महान ब्राह्मण थे। उनको सबको खूब भरपूर दान यशोदा मैया ने दिया, नंद बाबा ने दिया, सुपात्र होने के कारण उनको परिपूर्ण रूप से दान नंद बाबा और यशोदा मैया ने किया। जब ब्राह्मणों ने वैदिक स्तुतियों का उच्चारण किया और दूसरी बार विधि विधान संपन्न कराया तो नंद बाबा ने जो है उनको सुनहरे कपड़ों से लपेटी हुई गाय और सुनहरे वस्त्रों से, सोने के वस्त्रों से आभूषित गौ माताओं का दान किया। तो ब्राह्मणों ने आशीर्वाद किया। तो एक दिन इस उत्सव के तुरंत बाद जब यशोदा माता बालक को अपनी गोद में लेकर दुलार रही थी, दूध पान करा रही थी छोटे से बालक को, तो देखा मैया ने कि ये बालक इतना भारी कैसे हो रहा है अचानक दूध पीते पीते।
और गोद से उठा नहीं पा रही थी, अपनी गोद में बैठ लेटे उस बालक को माँ उठा नहीं पा रही थी, इतना भारी हो गया बालक। तो इच्छा न होते हुए भी जमीन पर लेटा दिया बालक को, और थोड़ी देर बाद वे गृह कार्यों में व्यस्त हो गई। उसी समय कंस का एक भृत्य जिसका नाम तृणावर्त था, बालक को अपने घेरा में लेकर, तृणावर्त मतलब वो जो आंधी जैसा आता है ना, जिसमें सब जो फूल पत्तियां होती है उन सब का घेरा बना के वो आकाश में उड़ने लगता है, सब बवंडर जिसको बोलते हैं, वो उसके रूप में आया, बवंडर के रूप में आया, और बालक को भी उसमें लपेट के ले चुका, ले गया ऊपर आसमान में। तो अंधड़ जिसको बोलते हैं, धूल का बहुत बड़ा गुबार होता है वो, तो फलस्वरूप सारे लोगों की आंखों में धूल भर गई। संपूर्ण वृंदावन क्षेत्र इतने गहन अंधकार में चला गया कि कोई किसी को देख ही नहीं पा रहा था। तो कृष्ण को वो तृणावर्त अपने साथ ले गया, और तृणावर्त जब कृष्ण को लेकर गया तो कृष्ण ने वहीं आकाश में ही उसको मार दिया। और जब वो नीचे आकर गिरा तो सब चिंतित थे, बालक कहाँ है, बालक कहाँ है। देखा तो कृष्ण वहीं आसपास में कहीं खेल रहे थे, और वो मर चुका था। सब बड़े प्रसन्न, देखो कृष्ण ने इसको मार दिया। तो कृष्ण को देखकर सब प्रसन्न हो गए। सब गोपियां परस्पर कहने लगी कि पूर्व जन्म में हमने कैसी तपस्या की होगी, हमने भगवान ही अवश्य की पूजा की होगी, विविध प्रकार के यज्ञ किए होंगे, दान किए होंगे, वट वृक्ष लगाए होंगे, कुएं बावड़ी खुदवाए होंगे, और भी कोई जन कल्याण के कार्य किए होंगे, जिसके फलस्वरूप ऐसा बालक बार बार कष्टों के मुंह में जाकर लौट आ रहा है। साक्षात श्री हरि की कृपा है इस बालक पे, बोलिए। साक्षात श्री हरि ही उनके आंगन में खेल रहे हैं और बोल रहे हैं, साक्षात श्री हरि की कृपा से हमारा बालक बच गया, और भगवान प्रसन्न हो रहे हैं ये सुन सुनकर। तो इस घटना के बाद एक बार जब यशोदा अपने पुत्र को प्रेम पूर्वक स्तनपान करा रही थी और दुलार रही थी, तो उनके स्तनों से दुग्ध की धारा बह निकली, और जब अपनी उंगलियों से बालक का मुंह खोला तो उन बालक के मुंह में पूरा ब्रह्मांड, 14 भुवन सब कुछ माता को दिखाई दिया। यह देखकर माता यशोदा का दिल धड़कने लगा और अपने आप में ही कुछ बुदबुदाने लगी। माता कुछ बोलने लगी मुख मुख में, और बोलने लगी, ये क्या है, कितना विचित्र है ये, बाप रे, ये बालक के मुंह भी सब क्या दिख रहा है, ग्रह नक्षत्र सब कुछ क्या है। तो कुछ बोल नहीं पा रही, बस मन मन में कुछ सोच रही है और मुख मुख में कुछ कुछ बुदबुदा रही है। तो अपनी आंखें बंद कर ली माता ने, ये क्या है, मुझे तो नहीं देखना ये भयानक दृश्य। तो विचित्र भावों में लीन हो गई। कृष्ण द्वारा अपनी माता को गोद में लेटे रहकर अपने विराट रूप का प्रदर्शन यह सिद्ध करता है कि भगवान सदैव भगवान होते हैं। वो माता की गोद में लेट करके दुग्धपान कर रहे हैं तो भी वे भगवान ही हैं, वो छोटे बालक नहीं है उस समय भी, वो उतने ही शक्तिवान है, शक्तिमान है, शक्तिशाली है, चाहे वे माँ की गोद में रहें या कुरुक्षेत्र की भूमि में रहें, सदैव ही भगवान भगवान ही है। और इस प्रकार से ईश्वर चाहे जिस भी दशा में रहे, ईश्वर सदैव ईश्वर रहते हैं, परमेश्वर के अंश और जीव उनके अंश रूप हैं। इस प्रकार की अलौकिक लीलाओं के द्वारा भगवान ब्रजवासियों को सुख दे रहे हैं। आज हमने तृणावर्त उद्धार तक यानी कि सप्तम अध्याय तक की लीलाओं का वर्णन किया। कल भगवान की आठवें अध्याय से जो और आगे की लीलाएं हैं हम उनका वर्णन करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। हरे कृष्णा।